आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, इफ़ देन और इफ़ देन एल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिक इनक्यूबेसी। ग्राफिक क्या है? ग्राफिक के हेल्प से हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं और उसमें कलर भी फिलिंग कर सकते हैं। तो यही सब क्या कहलाता है? ग्राफिक्स इनक्यूबेसी। अब इसमें दो होता है, मीडियम रिजोल्यूशन और हाई रिजोल्यूशन। मीडियम रिजोल्यूशन में जो होगा वो 320x200 पिक्सल में ये काम करेगा, ठीक है, और हाई रिजोल्यूशन में ये 600x200 पिक्सल में काम करेगा। अब जैसे ये लिया है, ये ट्राइंगल है, तो ये हो गया 00019, ठीक है। तो यहाँ पर 3190 और यहाँ पे 3919, तो ये हाई रिजोल्यूशन में। स्क्रीन स्टेटमेंट देखिए, स्क्रीन स्टेटमेंट इज यूज टू सेट द रिजोल्यूशन एंड नंबर ऑफ कलर इन द डिस्प्ले। अ कलर मस्ट हैव स्क्रीन स्टेटमेंट बिफोर इट डज नॉट डज एनी ग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफिक्स को यूज़ करने के लिए हम स्क्रीन स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो स्क्रीन, स्क्रीन मोड नंबर, आगे हम लोग देखेंगे कि स्क्रीन का नंबर होता है जिसमें बहुत सारे कलर रखे रहते हैं, प्री डिफाइंड रहता है। देखिए जैसे कि ये स्क्रीन मोड है, ठीक है, स्क्रीन 1 2 3 4, इसमें रिजोल्यूशन है कि स्क्रीन 1 पे ये 320x200 हो जाएगा, 2 पे 640x6200 हो जाएगा, और इसमें दिया भी है कि ये इतने नंबर ऑफ कलर को सपोर्ट करता है, ये 4, ये 2 16, ठीक है, इस तरीके से। कलर स्टेटमेंट में क्या होगा कि कलर फिलिंग होगा, सिंपल सी बात है, जैसा कि दिख ही रहा है कि इसमें क्या होगा, कलर फिल होगा। कलर बैकग्राउंड कलर में बैकग्राउंड कलर जो होगा वो उसका चेंज हो जाएगा, तो उसमें कलर और ब्रैकेट में बैकग्राउंड, कलर फोरग्राउंड में उसका फोरग्राउंड चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों चेंज हो जाएगा। 16 कलर आर यूज इन क्यू बेसिक फॉर फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। 16 कलर इसमें अवेलेबल रहता है और रिप्रेजेंटेड बाई 0 to 15, ठीक है। ये हो गया कलर स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कलर चार्ट इन क्यू बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।